समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। पारिवारिक विवाद के चलते किया प्राणघातक हमला। जबलपुर में पारिवारिक विवाद के कारण भांजे ने अपने ही मामा मामी पर प्राणघातक हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना में चार लोग घायल हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पाटन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए पहले पाटन अस्पताल और फिर जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया। बताया जा रहा है कि पाटन थाने के गुरु मोहल्ले में रहने वाले एक ही परिवार के दो पक्षों में बीते कई सालों से विवाद चल रहा था। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की सुबह घर के बाहर सफाई को लेकर दुर्गा प्रसाद बर्मन का अपने सगे भांजे धर्मेंद्र बर्मन से विवाद हो गया। कुछ ही देर में दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। बीच बचाव में बेनी प्रसाद बर्मन, उनकी पत्नी और बहनोई आए तो धर्मेंद्र ने उन पर भी हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पाटन थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। भाई आप लोग जो मानने के लिए दौड़े हमें फालतू को जान से मानने की धमकी दे रहे थे। क्या मारा? बल्लम से वो परासिया रहता है वो मारा, लट्ठू मारा और फावड़े सब मारे उन्होंने, जो भी हथियार सब बल मारा। क्या नाम है, कौन है? वो धर्मेंद्र वर्मन, रामचरण वर्मा। आपके रिश्तेदार? रिश्तेदार नहीं है, बाजू में रहते हैं जी। उनने वो बोला एकदम तुम्हें जान से मार देंगे। जान आपके रिश्ते में कोई लगते हैं क्या? नहीं, मेरे रिश्ते में तो खैर लगते हैं, लेकिन अब क्या। क्या नाम आपका? मेरा नाम दुर्गा प्रसाद वर्मन, रामचरण वर्मन। रामचरण, किस बात की लड़ाई हुई थी? ये जमीन हमने खरीदी है, ये बुद्धिलाल दुर्गा जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं हमारी में। कोर्ट से हमें फैसला मिल गया है, नहीं मानता है। तो आज किस बात की लड़ाई है? इसी बात की। हाँ, जमीन नहीं की। तो ये कोई रिश्तेदार है आपका? अपनी साला हो गया, दुश्मन हो गया। अच्छा जी। तो आज कहे किस क्या मारो कि भाई हमारी जमीन को साफ सुथरी मत करो, अपनी जहाँ करो। मारपीट हो गई, केस चल रहा है उसमें। तो आपके पक्ष के लोगों को चोटें आई हैं? हाँ। कौन कौन को? धर्म के धर्मी हैं, बहुत हैं। ठीक है सर, क्या मामला है? जिस तरह से विवाद हुआ है दो पक्षों में, आज सुबह करीबन 9 बजे गुरु मोहल्ला में एक जीजा और साले दोनों पक्षों दो परिवारों में एक जमीनी विवाद पर से लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्षों की तरफ से मामला दर्ज कर जांच में लिया गया है। कितने लोग घायल हैं? दोनों पक्षों से 3-3 लोग घायल हैं, विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे वैधानिक कार्रवाई की। ये थी आज की खबरें, और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।